ट्वेल्थ वाले सभी लोग ध्यान दें, ट्वेल्थ क्लास परीक्षाएं आपकी चल रही हैं और कल आपका इंग्लिश का पेपर है, तो सबसे पहली बात तो आपके इंग्लिश के पेपर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ख़ास बात यह है कि इंग्लिश के पेपर देने के बाद तुरंत अपनी तैयारी करने लग जाना, क्योंकि अब तक जो पेपर था हिंदी और अंग्रेजी, ठीक है, हिंदी का पेपर आपका हो चुका है और अंग्रेजी का आप कल देने जा रहे हो, जिसकी तैयारी लगभग हो चुकी है। और इंग्लिश हम पढ़ाते नहीं हैं, इसलिए हमने इतना ज़्यादा इस पर इंटरेस्ट भी नहीं लिया। इंटरेस्ट तो अब हम इनमें लेंगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ, ये सब्जेक्ट अब आ रहे हैं आपके, बहुत ही खौफनाक सब्जेक्ट हैं। लेकिन जो स्टूडेंट हमसे पढ़ा है, हमारी वीडियो जिसने रेगुलर देखी है, उसके लिए इससे ईजी कोई सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता है। हिंदी अंग्रेजी का पेपर दिया होगा, उनसे भी ज़्यादा ईजी ये वाले पेपर होने वाले हैं आपके। ओके, चलिए तो कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं। देखिएगा, इंग्लिश की तो लगभग आपकी तैयारी है ही, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं। देखिएगा, जैसे ही आप इंग्लिश का पेपर करके आओगे, शाम को तुरंत आपको मैथ का एक मॉडल पेपर मिलेगा। और जो बच्चे बायोलॉजी के हैं तो उनकी बायोलॉजी की तैयारी हो गई है, तो वो कहेंगे सर हम तो मैथ नहीं पढ़ेंगे, तो हम क्या पढ़ेंगे, फिजिक्स, उनके लिए हम फिजिक्स, तो फिजिक्स का मॉडल पेपर, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहली बात मैथ की सुन लीजिए, मैथ की पूरी बुक के, बुक आपकी वन और बुक आपकी टू, दोनों बुक से 8 अंक वाले प्रश्न एक साथ दिए जाएंगे विद सॉल्यूशन, एक साथ पूरी किताब के 8 अंक वाले प्रश्न। 6 चैप्टर हैं जहां से 8 अंक वाले, यानी कि आपके 12 चैप्टर थे, 12 में से 6 ही चैप्टर ऐसे जिससे 8 अंक का प्रश्न आता है, ठीक है। तो वो सारे प्रश्न आपको एक साथ दे दिए जाएंगे विद सॉल्यूशन, ऐसे 5-5 अंक के प्रश्न आपको मिलेंगे, चिंता ना करो, ठीक है, वो भी सॉल्यूशन के साथ। फिर आ जाते हैं आपके इंपोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन हैं, उसके विद आंसर्स मिलेंगे और साथ में मॉडल पेपर दूंगा और उनका सॉल्यूशन भी कराऊंगा मैं, ठीक है, मॉडल पेपर और उनका सॉल्यूशन भी कराऊंगा। और साथ में आपको 2022 के जो पेपर आए हुए थे, 2022 में पेपर कैसा आया था, 7 सेट, 7 सेट का मतलब क्या है, कितने सेट होते हैं यूपी बोर्ड में, 7 सेट होते हैं पेपर के, 7 के 7 सेट पेपर आपको दिए जाएंगे, 7 के 7 सेट मेरे पास हैं अवेलेबल, 7 सेट आपको PDF में प्रोवाइड किए जाएंगे, साथ में उनका सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि आपको दिक्कत ना हो, आप समझ जाओ पेपर पैटर्न क्या रहेगा और आपका किस तरह से पेपर आएगा। ओके, पूरी बुक के, और अब आते फिजिक्स की यदि हम बात करें थोड़ा सा, तो फिजिक्स का देख लीजिए, पूरी बुक के इंपोर्टेंट डेरिवेशन और न्यूमेरिकल्स आपको विद सॉल्यूशन दिए जाएंगे। पहली बुक के सारे डेरिवेशन 10-12 पहली बुक के डेरिवेशन है और 10-12 ही आपके हैं, और पहली बुक के 10 डेरिवेशन दूंगा 10, और दूसरी किताब के मात्र 5 से 6 डेरिवेशन दूंगा, यानी कि आपके 15 से 18 डेरिवेशन में पूरी बुक खत्म हो जाएगी फिजिक्स की, उन्हीं डेरिवेशनों में से आपका बोर्ड की परीक्षा में आएगा, मात्र उनको कर लेना। और जो 100 न्यूमेरिकल्स कराए थे वो आपने देखी रखी होगी, लेकिन अब मैं इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, मात्र 20 न्यूमेरिकल्स के लगभग कराऊंगा, फिजिक्स में तैयारी हो जाएगी आपकी। थ्योरी और 2022 के सेट, उनमें से 2-3 सेट जो इंपोर्टेंट रहेंगे, वो वाले सेट में सॉल्व कराऊंगा, ठीक है, चलिएगा। तो ये क्योंकि फिजिक्स में थ्योरी लिखनी होती है, काफ़ी सारे सेटों में कुछ सवाल कॉमन होंगे, तो जो इंपोर्टेंट ज़्यादा हैं उनको सबको करा दूंगा, ठीक है, चलिएगा। अब आते हैं केमिस्ट्री में भी ऐसे ही आपके मॉडल पेपर आपको कराए जाएंगे, साथ में आपका केमिस्ट्री पे हम ज़्यादा बाद में फोकस करेंगे, क्यों, क्योंकि केमिस्ट्री के बाद में आप 1 तारीख के बाद में आपको दो दिन मिल जाएंगे, यानी 2 और 3 तारीख का समय मिल जाएगा, 4 तारीख का पेपर है, ठीक है। लेकिन फिजिक्स में आपका सिर्फ 28 तारीख, यानी कि 28, ऐसे मत सोचना कि 28, 29, 30, नहीं, केवल एक ही दिन मिल रहा है फिजिक्स में। तो फिजिक्स की तैयारी पर ज़्यादा फोकस रखना, मैथ वाले और बायोलॉजी वाले दोनों, क्यों, क्योंकि 24 के बाद में आपको यहाँ पर 25 का दिन मिल जाएगा, 24 की शाम मिल जाएगी, शाम को तो इतना थकावट हो जाती है पेपर की टेंशन, लेकिन फिर भी 25 का तो दिन मिलेगा पूरा, और 26 का मिलेगा, 27 का आपका पेपर है, तो इसमें 2 दिन मिलेंगे, लेकिन फिजिक्स में आपका एक ही दिन मिल रहा है, इसीलिए जो 25 का दिन है उसमें आधे दिन की तैयारी फिजिक्स की कर लेना, आधे दिन की आप मैथ की कर लेना, और 26 को पूरी तरह से मैथ की और बायोलॉजी की तैयारी करना, उसके बाद में सीधे अपने फिजिक्स के और पेपर देना। फिजिक्स वाले दिन आप तैयारी बिल्कुल मत करना केमिस्ट्री की, फिजिक्स में फिजिक्स वाले की करना, चाहे आप 25 तारीख वाले दिन आप केमिस्ट्री का थोड़ा बहुत देख लेना पोर्शन, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपके करंट में होनी चाहिए, बेहतरीन तरीके से तैयारी हो जाएगी। सारे मॉडल पेपर में सॉल्यूशन कराऊंगा, विद कॉपी पर कराऊंगा, बोर्ड पर कराऊंगा, सारे जो भी चीज़ अवेलेबल होगी वो आपको कराई जाएगी, ठीक है, चिंता ना करो।
उम्मीद है कि आपके ये वाले जो पेपर हैं तीन बहुत बेस्ट जाएंगे इनसे भी, और ये भी आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट करने हैं। इंग्लिश का पेपर बहुत अच्छे से करना, स्ट्रेस बिल्कुल भी मत लेना, और कॉपी पे ज़्यादा काट पीट मत करना, अच्छे से करना ठीक है, और बिल्कुल भी दिमाग पे स्ट्रेस मत लेना ठीक है। और थोड़ा थोड़ा देखो, जिस जिस लैंग्वेज में आपका क्वेश्चन पूछा उसी लैंग्वेज में उत्तर, यानी जिस प्रेजेंट में दे रखा है, टेंस किस में बना हुआ है, क्वेश्चन का टेंस किस में बना हुआ है, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, उसी के अकॉर्डिंग आप अपना वो देना आंसर, तो आपका हमेशा सही हो जाएगा ठीक है। वीडियो को लाइक करना, शेयर कर देना, और अपनी तैयारी अच्छे से करना, और फिजिक्स मैथ की टेंशन ज़्यादा मत लेना, उसकी तैयारी अब हम कराएंगे, अब हमारे सब्जेक्ट आ रहे हैं, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जय हिंद।